नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्लास टेंथ विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में 2 नंबर से बार बार पूछे गए हैं। तो देखिए, प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि दृष्ट दोष कितने प्रकार के होते हैं। दृष्ट दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर में लिखिएगा दृष्ट दोष 3 प्रकार के होते हैं। दृष्ट दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा निकट दृष्ट दोष, दूसरा लिखिएगा दूर दृष्ट दोष, तीसरा लिखिएगा जरा दृष्ट दोष। तो दोस्तों, यह एक आपका प्रश्न और उत्तर का हो गया। अगला प्रश्न है निकट दृष्ट दोष यानी मायोपिया। निकट दृष्ट दोष का अन्य नाम है मायोपिया। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि निकट दृष्ट दोष का दूसरा नाम क्या है, तो मायोपिया। अब समझते हैं कि निकट दृष्ट दोष में क्या होता है। तो निकट दृष्ट दोष, इसमें आंखें नजदीक की वस्तु देख लेती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं देख पाती हैं। इसमें दूर की वस्तुएं का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनने के कारण आंखें उसे देखने में असमर्थ होती हैं। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि निकट दृष्ट दोष का अन्य यानी दूसरा नाम है मायोपिया, और निकट दृष्ट दोष में नजदीक की वस्तु देख लेती है। निकट दृष्ट दोष में नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख सकती है, दूर की वस्तु को नहीं। निकट दृष्ट दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है।